घटना ये थी, वो लड़की को भगा लाए थे, तो जब लड़की को भगा लाए थे तो वहाँ थाने जाके उनसे कही थी, कोतवाल साहब से कही थी कि ये दो मुजरिम हैं, इन्होंने यहाँ जो धमकी दे रहे हैं, पुलिस के सामने धमकी दे रहे थे, दो तीन दिन में जान से मार देंगे। आज जैसे ही लड़का खेतों की तरफ निकला आउमबीर, उन्होंने उस पर फायर झोंक दिया और फिर ईंट मार और पत्थर मार कर दिए। जब हम लोग पहुँचे तो उसमें काफ़ी लोग घायल हुए और फिर फायर झोंकने लगे और फिर पुलिस को खबर कर दी गई, फिर पुलिस आ गई। गोलीकांड में कितने लोग घायल हुए? दो, एक लड़के की गोली लग गई है, दूसरे के छर्रे लग गए हैं, वो FH में चला गए हैं। ओमबीर नाम है लड़के का और दूसरे का भी मुझे जानकारी नहीं है। वाह, खूब फायरिंग करी है तो उनने, और देख लियो क्या घटना हुई यहाँ पर। चोर है ये सारे, हम तो भीतर है बात कर रहे थे, एकदम फायर आया था, तो हमने बोली कि क्या हो गया, बाहर निकल के आए तो बेटे की गोली लगी यहाँ पर, खून फैलाते हुए। कितने लोगों को गोली लगी है? गोली लगी है दो को। अच्छा, तो उनको कहाँ भेजा गया है? क्या मामला था? देखिए, अभी FIR नहीं आई है, लेकिन जो मौका मुआयना किया गया उसके आधार पर ये तस्दीक हुआ है कि पुरानी इनमें रंजिश चल रही है परिवारी जनों में, और उस रंजिश के दौरान आज ये 5-6 प्रारंभ में 5-6, उसके बाद में 10-11 करीब लोग बताए गए कि परिवार के, जिन्होंने घेर करके दूसरे परिवार के लोगों के ऊपर अटैक किया है, जिसमें फायरिंग की गई है, तीन लोगों को फायर आर्म इंजरी है, और अभी उनको ट्रीटमेंट के लिए आगरा भेजा गया है। इसके अलावा दो लोगों को सिर में चोट लगी है और एक को फेस पर चोट लगी है थोड़ी, तो अभी तस्दीक करने के बाद में FIR हमारे अवेटेड है। हम लोग जो हैं इसको पूरा इंस्पेक्ट करने के बाद में अभी जो FIR आती है उसके आधार पर गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे। हम मौके पर SHO टुंडला, SHO पचोखरा तथा SHO नगला सिंघी, तीन थानाध्यक्ष की ड्यूटी लगाई गई है ताकि भविष्य में यहाँ पे कोई और वारदात न होने पाए और मुलजिमान की तत्काल। देखिए, बहुत अर्ली है कहना, अभी मैंने बताया जैसे आपको कि अभी FIR नहीं आई है, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ये अभी कॉज ऑफ डिस्प्यूट अभी पता नहीं है, लेकिन अभी इतना जरूर मैं बताऊंगा आपको कि इनमें पुरानी रंजिश चल रही है, और रीज़न ये अभी लिख के देंगे